देखो मस्जिद के सामने वजू खाने के सामने लाड़ी लगाती है, लेकिन वजू खाने वाले भी ये बहन कभी तुम्हारे को बोले आने के भाई यहाँ लाड़ी क्यों नहीं लगाते हो? कोई बोलता नहीं। वजू वालों को तकलीफ होती जब भी आपको बोलते नहीं है। लाड़ी साइड में कर लो, पर जाने दो, लाड़ी का बैलन लगा दो के। यानी के तकलीफ कभी आपको कोई बोलता नहीं है। देखो फ्रूट की लाड़ी लगाते भाई मुसलमान के एरिया में मस्जिद के आगे आके, कोई इनको बोलता नहीं है। और ये देखो ये बहन इनकी भी फ्रूट की लाड़ी है, तुम्हारे को ये दुकान के आगे आप लाड़ी लगाते हो, कोई बोला नहीं? बोला कभी भी कोई बोलता है? ये सोचता भाई दो पैसा कमावे, कोई गरीब दो पैसा कमावे, कोई नहीं बोलता है ना। ये देखो लाड़ी जाने के दुकानों के आगे लाड़ी खड़े रहती, लेकिन कभी भी कोई बोलता नहीं है ना। यानी के भाईचारा एकता है यानी के। वो देखो मंडप भी ये मस्जिद के आगे मंडप के आगे भी बांध के देते हैं भाई। ये मस्जिद के आगे तू लाड़ी लगाता, कभी तेरे को कोई बोलता है दुकान वाला? कोई नहीं बोलता। कभी भी आने के दो पैसा कमावे भाई है ना, उनका सपोर्ट है। तो अच्छा सपोर्ट देते बल्कि भाई यहाँ कमाओ, सही है ना। तेरे को यहाँ लाड़ी लगाए कितने साल होता है? अपना तो 20 साल जैसा हो गया। कभी कोई भी दुकान वाला मना नहीं करा। देखो दुकान के आगे लाड़ी लगी है, लेकिन मस्जिद के भी आगे लाड़ी है, लेकिन कोई भी बोलता नहीं है। ये देखो ये देखो ये लड़की भी बिचारी, ये तरबूज है। और ये देखो ये दुकान के आगे तुम कितने दिनों से यहाँ लाड़ी लगाते हो? कितने साल से? 3-4 साल से लाड़ी लगाते। कभी कोई दुकान वाला आपको मना करता है? किसी ने मना नहीं किया। दो पैसा कमाओ खाओ, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हो लोगों को? धंधा करते हैं, इन लोगों का प्यार है तो भी हमको जगह देते हैं और हमको धंधा करने देते हैं, सब अच्छे से रखते हैं, अपने मिलजुल रहते हैं। और हमारे जैसा मुस्लिम भाई अगर एरिया में जाओ दूसरे एरिया में गैर मुस्लिम के धंधा करना चाहते हैं ना, पड़ेगा है ना। यानी कि उनको भी कोई हैरान ना करे, उनको भी कोई हैरान नहीं करे, हमारी तरह उनको भी